क्या होता रहता है इस घर में, क्या हो रहा है? मैं कह रही हूँ ना, नहीं दादी छोड़ो सब, नहीं क्यों नहीं, अरे वो क्या रहा है मजे, क्यों नहीं रसोई में गंद मत जानी है बस और कुछ नहीं। और ऐ तो कोई फेयर गर्ल नहीं हुई है, किसने काम गंदा ही करेंगे, कि रसोई को लेडीज लोगों का कॉपीराइट है, जो कि ये पकड़ और हमारी साइड आ जा। अरे जैसी तू इससे आ, ओ जी साइड में तो हम आ जाएंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि आप करवाने क्या वाले हो। ओ आज खाड़ा हम बनाएंगे, हम मुंडे। आप क्यों पुत्र, हम नहीं बना सकते? और देखी तू आज, पुराना परिवार के मेल मेंबर इतने लजीज पकोड़े बना के खिलाएंगे ना, और हाथ चाटते रह जाओगे, देखी तू सही। पकोड़े शकोड़े के पनीर खुराना। दारजी दारजी रहन दो आप लोग, एक तो आप लोगों को पता नहीं रसोई में कौन सी चीज कहाँ रखी है, हाँ वो सब इधर उधर हो जाना है, टाइम भी वेस्ट होना और ऊपर से हमने भूखे भी रह जाने, आप लोग उससे नहीं होगा, ना करो। ओए सुरेंद्र जी अब तो चैलेंज हो गया है, अब तो दिखा देंगे हम, हैं? और तेरी मम्मा की सुनी गल, हाँ। हमको कोशिश करने से पहले हरा रही है। अरे वो तो पगला गया, और तू अनु की हो ऐसे ठिया गए हो तुसी भी। ओ आपको क्या मालूम, और मैंने भी बड़ी रोटियां बेली हैं अपने जमाने में। सपने में ना पापड़ बेले होने आपने, वो आपके बच्चा नहीं है, रहने दो। लो जी मेरी रोटियों को इन्होंने पापड़ बना दिया। और वैसे भी बेबे हमारे बस का क्यों नहीं है, हाँ? के मर्दों का किचन से कोई लेना देना नहीं होता बिल्कुल भी। बेबे इस बात में कोई लॉजिक नहीं है, दुनिया में जितने भी शेफ हैं वो क्या हैं? वो हैं मुंडे। सारे मुंडों ने ना खाने डंडे, समझे? है ना जैसी खाना बनाने के लिए सालों की प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं कि कभी भी चल पड़ो। ओ पुत्र जी तो कहीं से तो शुरू करेंगे ना, होगा तो कुछ नहीं, देखते देखते दिखा देंगे, भी दिखा देंगे, दिखा के देंगे, खिला देंगे, खिलाएंगे। आ जाओ जाओ जा रहे हैं जस्सी, तो देख लेना मम्मा जी की कुकिंग को चैलेंज करेंगे आज तो। हाँ हाँ करके देख लेना, कोई बीट ही नहीं कर सकते मम्मा जी की कुकिंग को, हम करेंगे। थोड़ा सा ब्लैक हो गया है पर टेस्टी है, टेस्ट में कोई कमी नहीं है, खाके देखो। अच्छा बाबा जी तुसे ट्राई करके देखो, फिर हम सब ट्राई करेंगे, है ना? पर हमने तो बनाया, तुम तो ठीक है हैदार जी? आप नहीं पुत्र रहन दे, मैं कर, मैं को डरता हूँ, मैं कर लेता हूँ, इसमें क्या है? रहन दे पुत्र, ज्यादा बहादुर ना बन। मोहन पापा जी देखा। मैंने पहले ही कहा था अच्छा है। वो मिर्ची किसने पाई है इतनी? मैं तो कहती नहा ही लो। दादी आपको हार माननी है कि नहीं? तो हार क्यों मानूं? ले। जब आपको पता ही है कितना खराब बना है। और चैलेंज लिया है तो मेहनत तो करनी थी ना। तो आपको पहले ही हार माननी चाहिए थी, है ना? उसके यहाँ पे लेके आने की क्या जरूरत थी? हाथ जलाए हैं, उंगलियां काटी हैं, और इतनी कोशिश की है, बनाना तो बनता है ना, नहीं? और नहीं तो क्या, वो ये बनाने में मुंह सड़ गया, आंखें सड़ गई। हाँ ओ पुत्र, असली स्पोर्ट्स पर्सन वही होता है जो रेस में भागता रहता है, वो पामे वो लास्ट आने वाला हो पर रेस नहीं छोड़ता। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हाँ दादी, मामा जी मुझे यही कहती है कि लाइफ के हर रेस में आखिर तक दौड़ लगाना जरूरी होता है। ओए पुत्र, तैने सुन तो लिता पर अमल तो नहीं किता ना, हाँ?
जिंदगी में ना हार जीत तो लगी रहती है, कोई हारता है तो कोई जीतता है। हारना बुरा नहीं होता, पर हार के दुनिया से मुंह छुपाना ना बुरा होता है। वो आई तेरी बात समझ में है? ये हमने खाम कहीं उंगलियां काटी, हाथ जलाए, बोल। हाँ दार्जी, और बाकी का पार्टी में समझूंगी, है ना? ओए पापा जी, तुसी मैंने ड्रेस दिलाओगे? मेरे को लगता है वापस अपना पार्टी वाला ड्रेस पहन के आएंगे। अल्लाह, अरे गल कितनी है तू? और तेरे लिए जान नाजिर है, तू ड्रेस दी गल कितनी है? मैं तेरे को पूरी की पूरी दुकान ले देवांगा, तू चल आ जा। आला पुत्र, वेलकम टू द इंटर स्कूल स्टूडेंट ऑफ द ईयर कॉम्पिटिशन पार्टी। आज मौका है घुल मिलने का, अपने कॉम्पिटिटर्स से मिलने का, क्योंकि कल से आप सभी का सफर शुरू होने वाला है। सो द मेक मोस्ट ऑफ टुनाइट। जय हैं बाकी स्कूलों से आए टॉप कंटेस्टेंट्स, जो हमारी स्कूल के टॉप 5 फाइनलिस्ट के साथ कम्पीट करेंगे। इन सब से लड़के, इन्हें हरा के हमारे किसी एक स्टूडेंट को स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनना होगा। यस। हाय आदि, देखो सब अपने अपने स्कूल के बेस्ट गाइस। हाँ, पर से कोई मुझसे बेटर नहीं। इतना कॉन्फिडेंस ना मुझे नहीं किसी और को दिखा, जिसने तुम्हारी इतनी डेस्परेट कोशिशों को भी नोटिस नहीं किया। तुमने रिया को हराने के लिए क्या कुछ नहीं, सब फेल। मैं रिया को ऑलरेडी हरा चुका, शायद तुमने नोटिस नहीं। तुम रिया को कंपटीशन से आउट कराना चाहते थे, उसकी जगह मैंने उसे इन कर दिया। अब वो मुझ पे कभी शक नहीं करेगी, शायद वो मेरे लिए कंपटीशन हारी जाए। पर आज उसे हराना है। आज आज क्या है, आज कोई कंपटीशन नहीं है। जब तक स्टूडेंट ऑफ द ईयर की ट्रॉफी मैं अपने डैड के हाथ में थमा नहीं देता, मेरे लिए हर दिन कॉम्पिटिशन। रिया के लिए कुछ लंबा सोचा है। वैसे क्या करने वाले हो तुम? वो तुम्हें पार्टी में पता चलेगा, और ये प्लान तभी पूरा होगा जब तुम मेरा साथ दोगी। तो बताओ, दोगी मेरा साथ? कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। डेकोरेशन तो कमाल की है। क्या छोरे, तू भी अपनी शक्ल दिखाने आ गई? जी सर। क्या बात, वैसे मेरे को लगा था कि तू आएगी नहीं। जब मैंने सोचा तो मम्मी का पल्लू में छुप के ना आंसू बहा रही होगी। वैसे छोरी ने कोशिश बहुत की पर कुछ हुआ नहीं। मैंने कहा था ना थारे से कि अपने लेवल के सपने देख, अपनी औकात के। मैं तो आपका थैंक यू कहने आई हूँ सर। आज आप नहीं होते ना तो अपने लेवल से ऊपर उठने की कोशिश कभी नहीं करती। पता नहीं है सर कि मैं कहाँ थी और अब कहाँ पहुंच गई। मैं और मेरी मम्मा जी इसमें ही खुश है। मैं हारी नहीं हूं सर, मेरा लेवल ऊपर उठ गया है। थैंक यू सर। क्या छोरे,
लगता है तूने ट्रेनिंग दी है इसको। जोकी। नहीं सर, क्योंकि मेरा लेवल तो जी किसी और ही लेवल पे है। हाँ जे तारा के लेवल है मने बराबर पता है। आजा वेलकम टू पार्टी, जा अंदर। तू इसकी बात मत सुन, ठीक है? तू वही याद रखना जो मम्मा जी ने तेरे को कहा है। मम्मा जी ने तेरे को क्या कहा है? दुनिया का सामना हिम्मत से कर, बस। तो तू वही करेगी, ठीक है? ओए, देख मैं मोंटी से मिलके आता हूँ। ओए मोंटी! For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.